नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 6 घंटे की बैठक हुई है रूस के पार्लियामेंट के लोगों की, और उसके बाद एक बयानिया जारी किया गया है रूस के सदर की तरफ से, और कहा गया है कि यूक्रेन को वो सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे और नामो निशान नहीं रहेगा कि यहाँ पे कभी यूक्रेन था। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एटमी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, और इस बयान के बाद यूक्रेन में और यूरोप में खलबली मच गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी दिन से इस तरह की खबरें आ रही थी, बार बार यूक्रेन को ये तवज्जो दिलाई जा रही थी कि वो ये नाम लेना बंद कर दे कि वो नेटो का मेंबर बनने जा रहा है, और जिस तरह ये रूस कह रहा है उस तरह करे। लेकिन यूक्रेन की तरफ से आप सब के इलम में, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरी यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, अमेरिका है और दूसरे ममालिक इसका साथ दे रहे हैं। लेकिन अब जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि यूक्रेन पे ऐसे हमले करने का इम्कान है, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि कोई एटमी हमले किए जाएंगे, और इस तरह की खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि इसकी तैयारी की जा रही है। और जो यूक्रेन के सदर हैं उनको बता दिया गया कि अब आपका काम हम तमाम कर देंगे, और ये इस वक्त मीडिया पे सबसे बड़ी खबर चल रही है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको बता दें, रूस के सदर के इस बयान के बाद खलबली मच गई है। अब देखना ये है कि क्या रद्द अमल आता है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। इस वक्त जो सबसे मुश्किल में है वो है यूक्रेन, और यूक्रेन के लोग आप सबके इलम में हर तरफ फैले हुए हैं यूरोप में अपने घर बार छोड़ के। ये थी जनाब खबर, आइंदा भी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें हमारे साथ।